हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। बाबा बुल्ले शाह उर्दू पोएट हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी पोएट्री शायरी से ताल्लुकात रखते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो फिर ना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप बाबा बुल्ले शाह को ना जाने। वो बहुत गजब के पोएट थे। मतलब उनकी मैंने राइटिंग्स पढ़ी हुई, उनके कोट्स पढ़े हुए हैं, हिल जाता है इंसान अंदर से। अच्छा, मेरा एक जो फेवरेट है वो सुना दूं पहले। बुल्ले शाह जहर वेग के पिता, तो क्या पिता, प्यार सोच के कितना, तो क्या कितना। और भी इनके बहुत सारे कोट्स मेरे फेवरेट हैं, पर अभी उनके बारे में बात ना करते हुए हजरत बुल्ले शाह की स्टोरी पर अपन थोड़ा गौर फरमाते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी आज अपन सुनेंगे बैठ करके साथ में, एंड आई एम लाइक फ्रीकिंगली एक्साइटेड टू लिसन व्हाट हैपेंड इन हिज लाइफ, क्योंकि उन्हें बहुत सुना है, उनके दिल में जो था वो बहुत सुना है, पर उनकी जिंदगी में हुआ क्या वो पहली बार सुनने जा रहे हैं। सो बी एक्साइटेड फॉर दिस वन। इसके लिए तो ना आपके मतलब एकदम भयंकर वाला अंदर से उत्तेजना निकल चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर। हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, पर इंटेंसिटी भी बरकरार रहनी चाहिए। सो लेट्स जंप इनटू द स्टोरी ऑफ बाबा बुल्ले शाह, वेरी फेमस पोएट फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दिस इज रिएक्शन फ्रॉम इंडिया। नाज़रीन ग्रामी, हमारे एक मोहतरम प्रोफेसर कहा करते थे कि गालिब का कलाम सिर्फ एक छोटे से दीवान की सूरत में मिलता है, लेकिन अगर हम इसको उर्दू शायरी से निकाल दें तो पूरा उर्दू अदब ही लंगड़ा होकर रह जाएगा। इसी तरह पंजाबी अदब भी बावजूद इसके कि अपने अंदर मुख्तलिफ रंगों की दुनिया समेटे हुए है, जिसमें खास तौर पर सूफिया की शायरी को एक अहम और मुमताज मुकाम हासिल है, लेकिन इसमें से भी अगर एक अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह का कलाम निकाल दिया जाए तो अंजामे कार पंजाबी शायरी पर भी एक कारी हमला ही तसव्वुर होगा। बाबा बुल्ले शाह, जो कि बुनियादी तौर पर एक सूफी मनश इंसान थे, कि फिक्र रसा की इनफरादियत आज भी उन काफियों की सूरत जिंदा है जो स्याह दिलों को सफेद करने में अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि शाहजी की अपनी जिंदगी कितनी ही मुश्किल और अजनबी घाटियों से गुजरकर अमर हो सकी, और अब तक कितने ही बेबुनियाद और लग इल्जामात हैं जो उस उजले दामन पर लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक, जिसने आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में ये कोशिश की है कि वो आपको ना सिर्फ इस मर्द कलंदर की जिंदगी की एक शफाफ तस्वीर दिखा सके, बल्कि उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद भी पेश कर सके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत इस सफर में शामिल होने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि इसी नौ की हमारी दीगर वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये 1680 ईस्वी की बात है, जब हिंदुस्तान में अजीम मुगलिया सल्तनत अपने अरूज को छू रही थी, कि पंजाब के एक दूर अफ्तादा गांव उच गिलानिया, जिसे आज उर्फ आम में उच शरीफ का नाम दिया जाता है, कि इमाम मस्जिद के यहां एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसके वालदैन ने अब्दुल्ला रखा, जो कि कुछ अरसा अपने आबाई गांव में रहने के बाद अपने वालिद के साथ शाह मोहम्मद दरवेश के साथ कसूर के एक नवाही गांव में मुंतकिल हो गए। आपके वालदे मोहतरम, जो कि सिर्फ नाम के ही नहीं बल्कि अपनी अमली जिंदगी में भी एक दरवेश खुदा मस्त थे, एक मस्जिद में इमामत के फराइज अदा करने के अलावा बच्चों को दीनी तालीम भी देते थे। सो अब्दुल्ला ने भी होश संभालने के बाद इब्तिदाई तालीम अपने वालदे मोहतरम से ही हासिल की, जबकि बाद अज़ां आपने कुरान और हदीस और फिका की तालीम भी हासिल की। अगरचे बाबा बुल्ले शाह के मकाम पैदाइश के बारे में मुअर्रखीन में इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन हम इस बाबत उनके मुर्शिद कामिल हजरत शाह इनायत की राय को ज्यादा मौतबर समझते हैं, जो कि उच शरीफ को ही आपकी जन्मभूमि मानते हैं। कहा जाता है कि आपने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा मलिकवाल में भी गुजारा, लेकिन आप हैरान होंगे कि जिस तरह हजरत अलामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम मौलवी मीर हसन अपने इस होनियार शागिर्द की वजह से तारीख में अमर हुए, इसी तरह आपके उस्ताद हाफिज गुलाम मुर्तजा का नाम भी इसी निस्बत की वजह से अमर हो गया कि आपने अपने वक्त के दो मारूफ सूफिया, जिनमें बाबा बुल्ले शाह के अलावा पीर वारिस शाह का नाम भी शामिल है, को अपने हल्के इरादत में जगह दी थी। हाफिज गुलाम मुर्तजा अक्सर कहा करते थे कि मैंने दो ऐसे शागिर्दों की तरबियत भी की है, जिनमें से एक बुल्ले शाह ने तालीम हासिल करने के बाद हाथ में सारंगी पकड़ ली, जबकि दूसरे
यानी वारिस शाह ने इल्म तसव्वुफ के हसूल के बाद हीर राजा जैसी शाहकार किताब तख्लीक की। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे हम इससे कबल बयान कर चुके हैं कि इस अजीम सूफी ने अपने अहद के नामवर उस्ताद से इल्म की दौलत भी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद आपकी जिंदगी ये गवाही देती है कि शाहजी की जिंदगी का इज़्तिराब उन्हें सूफिया के उस सिलसिले की तरफ ले गया जिसे उर्फ़ आम में मलामती तसव्वुफ का नाम दिया जाता है। मौसीकी से लगाव और रक्सो सरूर से दीवानगी की हद तक इश्क की बदौलत बाज़ मुअर्रिखीन ने आप पर ऐसे इल्ज़ामात भी लगा दिए हैं जिनका आपकी अमली जिंदगी से दूर का वास्ता भी नहीं बनता। तहम बाज़ ना आकिबत अंदेश लोगों ने यहां तक भी लिखा है कि बाबा बुल्ले शाह ने ना सिर्फ अपने जमाने की मारूफ रकासाओं से रक्स की तालीम हासिल की बल्कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा मुखन्निसीन यानी हिजड़ों की सोहबत में गुजारा। लेकिन जब इनकी शायरी में मौजूद तालीम का जायजा लिया जाए तो ये सब इल्जामात महज खराफात लगते हैं। प्यारे दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह की रूहानी जिंदगी का हकीकी सफर असल में उस वक्त शुरू होता है जब वो अपने मुर्शिद कामिल हजरत इनायत शाह के दामने शफकत के मकीन बन गए। यहाँ एक दिलचस्प वाकया भी नाज़रीन के लिए बायस लुत्फ होगा कि हजरत इनायत का ताल्लुक एक अराई खानदान से था जबकि बाबा बुल्ले शाह सैयद जादे थे। सो लोगों ने पीरो मुर्शिद के इस रिश्ते को खूब तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एक सैयद जादा अराई के कदमों में जाकर बैठ गया है। और जब यह तनकीद अपनी हद से बढ़ गई, इसका सफर बुल्ले शाह के नापुख्ता जहन पर भी हुआ। खुद को बरतर समझते हुए मुर्शिद कामिल से दूरी इख्तियार कर ली, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर तक ना चल सका और फिर एक दिन बाबा जी अपने राबरे तसव्वुफ की खिदमत में हाजिर हुए जिन्होंने उन्हें अचानक अपने सामने पाकर सवाल किया कि ओए तुम बुल्ले हो? जिस पर बाबा जी ने नदामत का इजहार करते हुए अर्ज किया, हजूर नहीं, मैं बुल्ला नहीं हूं बल्कि भुल्ला हूं, यानी वो मुसाफिर जो अपना रास्ता भूल गया था। जिस पर उन्होंने कमाल शफकत के साथ एक दफा फिर बुल्ले शाह को गले लगा लिया। बल्कि आपका ये मिसरा भी जो कि मुर्शिद को मनाने के मौके पर कहा गया, लाफानी हो गया, यानी कंजरी बनया मेरी इज्जत नहीं घट दी, मैनू नच के यार मनावन दे। नाज़रीन ग्रामी, ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर का सिक्का चल रहा था। और शायद हमारे बास दोस्त जानते हो कि औरंगजेब को तारीख में मुसलमान बादशाह के लकब से भी याद किया जाता है। शहनशाह ने अपने अहद हकूमत में जहां कई दीगर इस्लाहात की, वहां मौसीकी पर भी पाबंदी आयद कर दी जो कि कभी उसके असलाफ के दरबारों की जीनत हुआ करती थी। बल्कि एक रिवायत के मुताबिक जब इल्मे मौसीकी के वारिस आलमगीर के इस तर्ज अमल से मायूस हुए तो उन्होंने एहतजाजन आलात मौसीकी का जनाजा निकाला और आलात को चारपाई की सफेद चादर के नीचे रखते हुए जब वो शाही महल के करीब से बुलंद आवाज में गाते हुए गुजरे तो बादशाह ने शोर सुनकर पूछा कि ये क्या है। इस पर उसे बताया गया कि ये आलात मौसीकी का जनाजा जा रहा है। इस पर औरंगजेब ने हंसकर कहा कि इस दुश्मन खुदा को जरा गहरी कब्र में दफन करना, कहीं ये फिर से सर ना उठा ले। जबकि दूसरी जानिब बाबा बुल्ले शाह इश्क की हद तक मौसीकी के दिल दादा थे। सो यही वजह है कि दरबारी उलमा ने आप पर कुफर के फतवे भी सादिर किए और कहा कि यह शख्स मुआशरे में इल्हाद को फरोग दे रहा है, जिसकी वजह से आपको हकूमती नाराजगी भी बर्दाश्त करना पड़ी। बल्कि कहा जाता है कि जब बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल हुआ तो उस वक्त के मौलवियों ने आपको ना सिर्फ काफिर करार दिया बल्कि आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले पर भी यह फतवा बांधा कि अगर वो शादीशुदा है तो उसका निकाह खत्म हो जाएगा और कुआरा है तो फिर इलाके का कोई मुसलमान उसे अपनी बेटी ना देगा। यूं पंजाब के एक मारूफ सूफी बुजुर्ग और बहुत बड़े शायर की नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात, लोग उसमें शिरकत से भी गुरेजा थे। चुनाचे बाबा बुल्ले शाह की नमाज जनाजा आपके एक वाकिफ ख्वाजा सरा ने अदा की और शहर भर के भंगी मस्त और ख्वाजा सराओं ने आपकी आखिरी रसूमात अदा की। इसके अलावा कहा जाता है कि नमाज जनाजा के बाद आपकी तदफीन का मसला पेश आया क्योंकि शहर की मकामी आबादी ने बुल्ले शाह की तदफीन के लिए कहीं जगह ना दी थी, लिहाजा इसलिए हालत मजबूरी में उन्हें कसूर शहर से कुछ दूर एक वीराने में दफनाया गया। बाद अज़ां बाबा बुल्ले शाह की गुमनाम कब्र के गिर्द शहर फैलता गया और आज बुल्ले शाह का शहर ही असल कसूर कहलाता है। दोस्तों, उस दौर के चौधरी और मजहबी तबके का आज तारीख में कोई नामो निशान नहीं मिलता। अलबत्ता सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद बुल्ले शाह की ना सिर्फ शायरी सुनी और सुनाई जाती है बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी शोहरत में मजीद इजाफा होता जा रहा है।
आपके इंतकाल के बारे में भी अगरचे तारीख वफात के हवाले से इख्तलाफात मौजूद हैं, मगर इस बात पर इत्तेफाक है कि बाबा जी साल 1750 में इस जहाने फानी से कूच कर गए और आपका मजार आज भी कसूर शहर में उन आलात मौसीकी के साथ मर्जे खासो आम है जो कि कभी आपके जेर इस्तेमाल रहा करते थे। जबकि आपका वो पंजाबी कलाम जो कि काफियों की सूरत मुख्तलिफ कवालियों का हिस्सा है का अगर मुतालिया किया जाए तो अंदाजा होता है कि यह दरवेश खुदा मस्त मखलूक खुदा को जिंदगी भर उस इश्क की तरफ बुलाता रहा जो उसको ना सिर्फ इरफान जात बल्कि खुदा शनासी के मराहल से भी आगाह करता है। ये वही सागर इश्क है जिसके चंद कतरे इंसान को जब लाफानी बना देते हैं तो फिर वो आलम इस्तगराक में यहां तक भी कह देता है कि बुल्ले शाह असम मरना ना ही गौर पया कोई होर। अल्लाह अपने इस दोस्त के मकामात को मजीद बुलंद फरमाए, आमीन सुमावे। ओ भाई साहब, एक टाइम वो था जब उन्हें लिटरली डिस्कार्ड कर दिया गया था कि अरे नहीं नहीं हम तो इन्हें दफनाएंगे भी नहीं, इनकी कोई वो भी नहीं पड़ेगा, इनके जनाजे पर नमाज पढ़ी जाती होगी, आई गेस वो बोल रहे थे ना जनाजे नमाज वो भी नहीं पड़ेगा। और आज देखो जिस जगह पे उन्हें दफनाया गया था वो जगह असली कसूर के नाम से फेमस है। और यार इनकी जो राइटिंग्स है, एक बार आप लोग अगर गौर फरमाएंगे इनके किसी भी कोट पे तो ना आपको मतलब फील होगा कि कितना ज्यादा लव प्यार इनके दिल के अंदर भरा हुआ था यार। मतलब प्यार ही करता इंसान, जिंदगी का मतलब ही प्यार करना है उनके हिसाब से। और ये बात सच्ची है, बहुत बार मैं खुद कंफ्यूज हो रही होती हूँ कि व्हाट इज लाइफ, वन डे एवरीवन हैज टू डाई। लाइक हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरे दिन काम करते हैं, पर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एक दिन तो सबने वहीं जाना है। मतलब ये सब थॉट्स ना मेरे अंदर तो देखो नॉर्मली आते रहते हैं, बट फिर आई अंडरस्टैंड व्हेन आई लुक एट पीपल। लाइक मैं अपनी मम्मी की तरफ देखती हूँ, अपने भाई की तरफ देखती हूँ, मेरे जो बड़े भैया हैं उनके जैसे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बड़ी एक दीदी है उनकी भी छोटा सा बेबी है, तो जब मैं उनको देखती हूँ ना तो आई फील यार लाइफ इज ऑल अबाउट लव। प्यार बांटना, प्यार देना, एक दूसरे को प्यार करना ही जिंदगी है। एंड व्हेन आई से दिस माय आईज आर वेट राइट नाउ। और होता है आंखों में आंसू आ जाते हैं जब जिंदगी की बात होती है। तो प्यार जब किसी से करो ना तो बेशुमार करो। मतलब उसमें ऐसे नहीं कि यार कोई प्यार करने के काबिल ही नहीं है, वो सामने वाला तुम्हें दुत्कार रहा है और तुम उसके पीछे पीछे जा रहे हो, दिस इज नॉट लव। ये तो वो करना हो गया ना, किसी से भीख मांगना हो गया प्यार की, वो नहीं करना। जब असली प्यार होता है ना जिंदगी में तो ऐसे ना फूल खिल जाते हैं, जैसे हर जगह आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, सुंदर लगने लग जाएगी लाइफ, एक फील होने लग जाएगी कि हाँ जिंदगी का मतलब है, मकसद है। इट वॉज एक्चुअली हार्ट ब्रेकिंग टू लिसन अबाउट बाबा बुल्ले शाह कि उनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स थे, एंड इवन आफ्टर डेथ स्ट्रगल्स चल रहे थे यार। पर जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, आर्टिस्ट वही कला कलाकार जो होते हैं, उनकी लाइफ नॉर्मली तो नहीं बीतती। ये मैंने भी फील किया है कि उनकी लाइफ में ज्यादा दुख होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। लाइक जो नॉर्मली जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनसे ज्यादा दुख और तकलीफें एक कलाकार के जीवन में होती है हमेशा। आई होप यू गॉट द मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते रहेंगे रिएक्शन वीडियोज के अंदर। और अगर आपको और अच्छे से मिलना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे मैं अच्छी मेरी लाइफ की स्नीक पीक्स भी मिलती रहेंगी और मेरा कॉमेडी जो रील्स है वो भी आप लोग देख करके हंसते खिलखिलाते रहेंगे। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। जब वीडियो अच्छा लगता है ना आपको तो कमेंट कर दिया करो, ये मैं अर्जी लगाती हूँ हर बार। और कमेंट में मुझे ये बता दो नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। अच्छा जी ठीक है, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।